छिबरामऊ शहर के पूर्वी बाईपास पर गैलेक्सी पब्लिक स्कूल के आगे झाड़ियों में एक युवक का शव मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने पड़ा देखा। कुछ ही देर में शव पड़े होने की जानकारी से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पहले तो पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास में जुटी रही। जानकारी हुई तो हम भी मौके पर आए और उसका शरीर इतना दुर्बल था कि कहीं कहीं नशा या गंजेड़ी टाइप का व्यक्ति लग रहा है, जो कहीं भटक गया और रात में सर्दी के कारण उसकी मृत्यु हुई, यही प्रतीत हो रहा है। कहाँ पर डेड बॉडी मिली थी, किस जगह है? डेड बॉडी गैलेक्सी स्कूल के ठीक सामने झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे पड़ी। अभी कोई जानकारी नहीं मिली कौन है व्यक्ति? हाँ, इसकी शिनाख्त तो नहीं हो पा रही। हम लोगों ने भी देखा तो ये नहीं पता लग पा रहा है किस गांव का है, किस परिवार का है। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल कन्नौज भेज दिया। इस बारे में कोतवाल विनोद कुमार मिश्रा का कहना है कि फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की सही जानकारी हो सकेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तड़के सुबह क्षेत्र में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तपंचौरा न्यूज के लिए छिबरामऊ कन्नौज से अखिलेश सविता की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज के साथ।